So why was Cristiano Ronaldo banned for one match in the Saudi Pro League? So अभी Al Nassr ने एक मैच खेला Al Hazm के अगेंस्ट जहां पे वो स्कोर लाइन थी 4-4 एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो उस मैच में नहीं खेले थे. अब उनको एक मैच का बैन क्यों मिला, इसके पीछे एक ऐसी स्टोरी है या एक रीजन है जो कि प्रोबेबली काफी सारे लोगों को जस्टिफाइड लगता है एंड कहीं ना कहीं दैट इज द वर्स्ट थिंग एवर. सी हम सबको पता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास एक ईगो है एंड क्योंकि वो एक इतनी बड़ी प्रोफाइल है उनके पास ईगो होना कोई बुरी बात नहीं, हर एक इंसान के पास ईगो होता है. बट जब किसी का ईगो हर्ट होता है हाउ डू दे रिएक्ट इट टेल्स अ लॉट अबाउट दैट पर्सन. और क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक ग्लोबल आइकन है एंड अ लॉट ऑफ यंग किड्स ऑफन फॉलो हिम. सो जब ये मैच हुआ अल शबाब के अगेंस्ट, एक गेम जहां पे अल नासर उस टीम से 3-2 जीती, उस मैच में द फैंस इन द स्टैंड्स दे वर चैंटिंग मेसी मेसी एंड पर्टिकुलरली उसी से एग्रीवेट होकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक ऑब्सीन रिएक्शन किया और ये रिएक्शन अथॉरिटीज को सही नहीं लगा जिसकी वजह से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक मैच का बैन लगा एंड 30,000 सऊदी रियाल उनको एज अ पनिशमेंट पे करना पड़ा. कई लोगों के लिए बेसिकली ये जो एक्शन है ना इट इज लाइक ओके भाई ठीक है यार हो गया, क्रिस्टियानो को तुमने गुस्सा दिलाया भाई उसने ऐसे रिएक्ट किया. बट बेसिकली ये उन यंग किड्स के लिए अच्छी बात नहीं है बिकॉज वो अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इस वर्ल्ड स्टेज पे ये हरकतें करते हुए देखेंगे तो उनको लगेगा कि बेसिकली बैंटर्स को बैंटर्स से मीट करना ही सही बात है. देखो जब बात आती है प्रोफाइल की, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसा लेवल का प्लेयर हो जाए तो वो कुछ भी करे तो वो जस्टिफाइड होता है. बट अगर एक छोटा प्लेयर इस क्रिस्टियानो रोनाल्डो की इस हरकत से ये सीख कर वो अपने पिच पे ये हरकतें करे तो इट वुड नॉट बी गुड. सो इसी वजह से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पनिश किया गया, उनको एक मैच का बैन दिया गया. बट क्या आपको लगता है कि ये जस्टिफाइड है रोनाल्डो ने जो किया ये एक्चुअली में? पिछले मैच में भी हमने देखा अल हिलाल के एक स्कार्फ के साथ उन्होंने यू नो ही डिड समथिंग व्हिच कांट बी टॉक्ड अबाउट. सो देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर रोनाल्डो हैज डन थिंग्स. Still, I would want to request the people not to spread the hate. He has done whatever he has done, but that doesn't change the fact that he is a great player. But by great player hona aur a great human being hona, wo do alag cheez hai. So definitely, agar Cristiano aapke idol hain, to unse unki achhi cheeze aap seekhein. Ye jo kuch galat cheeze hain jo karte hain, wo aap na seekhein unse. This is one lesson that I wanted to give to people out there. Ab iska itna bada issue nahi banana because I have been seeing a lot of things going on in the media about it. But I just had to talk about this because isse directly Al Nassr ko impact pada. आज का जो मैच उन्होंने खेला अल हजम के अगेंस्ट वो मैच 4-4 ड्रॉ हुआ. मे बी क्रिस्टियानो उस मैच में अगर खेले होते बिकॉज ही हैज बीन इन सच ग्रेट फॉर्म तो मे बी ये मैच वो जीत जाते. और उनको इस मैच जीतने से क्या होता भाई, वो जो टेबल पे इतना बड़ा गैप उनको 6 पॉइंट का है अभी करेंटली जहां पे अल हिलाल ने एक मैच खेला नहीं है, तो दिस वुड हैव बीन लेस. तो दिस इज द रीजन. सी यंग प्लेयर्स को ये चीज समझनी होगी कि उनके जो एक्शन है प्रोबेबली उनको तो हर्ट करेंगे साथ ही साथ वो उनकी टीम को भी कितना ज्यादा हर्ट कर सकते. सो दिस इज वन बिग लेसन दैट यू कैन लर्न फ्रॉम क्रिस्टियानो रोनाल्डो. उनकी अच्छी चीजों से आप सीखते ही सीखते हो, जो वो गलतियां करते हैं उनसे भी आप कुछ सीख सकते हो. तो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई हैड टू टॉक अबाउट गाइस. सो जो यंग प्लेयर्स हैं यहां पे प्लीज अपना माइंड खोल के रखिए. आपके जो भी आइडल हो, मेसी हो क्रिस्टियानो हो, दोनों ही लोगों ने अपनी लाइफ में गलतियां कर रखी हैं, काफी सारी बार ऐसा हुआ है. बट उनसे सही चीज आपको सीखनी है. आपको समझ में नहीं आती वो चीजें आप अपने कोच से पूछिए, आप अपने पापा मम्मी से वो चीजें पूछिए जो आपको सही तरीके से डायरेक्ट कर पाएंगे, सही तरीके से आपको वो इंफॉर्मेशन दे पाएंगे. बट दैट वॉज वन थिंग. इसके बाद हमारे पास कुछ और न्यूज है जिसके बारे में बात करना चाहते हैं. बेसिकली बार्सिलोना ने नाइक के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट अपरेंटली खत्म कर दिया है. जो जर्सी नाइक बनाती थी तो जो भी पैसा मिलता था, वेल ऑब्वियसली वो एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड होता था. कुछ नाइकी लेता था और कुछ बार्सिलोना रखती थी. एंड द थिंग इज करेंटली क्योंकि बार्सिलोना के पास इतना बड़ा फाइनेंशियल क्रंच आ चुका है, व्हाट दे आर थिंकिंग इज कि बार्सिलोना राइट नाउ वो खुद उस जर्सी को बनाएंगे बीइंग द ओन ब्रांड. तो मतलब दे नॉट गोना टॉक टू पूमा, दे नॉट गोना टॉक टू न्यू बैलेंस और नाइकी. बार्सिलोना विल बिकम द ओन ब्रांड एंड वो खुद इन हाउस मैन्युफैक्चर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन सेल एवरीथिंग वो अपने तरीके से देखेंगे. बिकॉज इससे फायदा क्या मिलेगा, जो भी डायरेक्टली सेल से उनको प्रॉफिट मिलेगी ना वो उनके पॉकेट्स में जाएंगी. सो दिस इज अ गुड डिसीजन इन माई ओपिनियन. बट बार्सिलोना कैसे इसको अच्छे से डील कर सकती है, हाउ दे गोना क्रिएट दोज ग्रेट डिजाइन जो कि बेसिकली हम देखे आए काफी टाइम से नाइकी ने बना रखे हैं. तो यार ये सारी चीजें जो कि हमें देखनी है बिकॉज बार्सिलोना वॉन्ट्स टू हैव मनी. और एक और हमने न्यूज अभी सुनी थी कुछ दिनों पहले तक कि बार्सिलोना ने रिपोर्ट किया है द मोस्ट नंबर ऑफ जर्सी एंड मर्चेंडाइज सेल जिसका 179 मिलियन यूरोस वैल्यूएशन था. तो फर्स्ट पे बार्सा थी, सेकंड पे मैड्रिड थी, थर्ड पे बायर्न थी. तो बार्सिलोना ने इतना सारा रेवेन्यू इकट्ठा किया है बाय सेलिंग द जर्सी एंड मर्चेंडाइज. तो बस इसी से देख के शायद उनको लगा होगा यू नो व्हाट, ये पूरा पैसा हमारा होता इफ यू वुड हैव मेड इट आवरसेल्फ्स. बट देन अगेन दिस इज अ गुड इनिशिएटिव फ्रॉम बार्सिलोना. बट व्हाट डू यू थिंक, इससे क्या डिफरेंस होगा, क्या डिजाइंस खराब होंगी, क्या क्वालिटी उसकी ड्रॉप होने वाली है? जो भी आपको लगता है मुझे बताना.
ना, एक और न्यूज है बार्सा रिलेटेड यहाँ पे जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड करेंटली आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वुड बी वांटिंग मी टू टॉक अबाउट दिस। मैंने इससे पहले आज तक इसके बारे में बात नहीं किया, अर्लिंग हालैंड टू बार्सिलोना, एक रूमर चल रहा है गाइस। मैं ऑनेस्टली आपको एक बात बता दूं, आई डोंट थिंक सो दैट्स गोना हैपन। देखो जो एक फैक्ट है, 2025 में अर्लिंग हालैंड का रिलीज क्लॉज ना 175 million euros होने वाला है 2025 के समर में। तो बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि रफायला पिमेंता जो कि अर्लिंग हालैंड की एजेंट है, वो सिर्फ हालैंड की एजेंट नहीं है, वो यहाँ पे डिलिट की एजेंट है और साथ में दो तीन और प्लेयर्स की एजेंट है। शी मेट डेको जो हमारे स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, अब उनके साथ 3 घंटे की मीटिंग हुई। अब मेजर टॉकिंग पॉइंट था हालैंड, क्यों? बिकॉज भाई लपोटा का ड्रीम है कि वो हालैंड को लाए, एंड आपको याद होगा बिफोर हालैंड वेंट ऑन एंड साइन फॉर मैनचेस्टर सिटी, बार्सिलोना कितने अच्छे तरीके से उसको परसू कर रही थी, एकदम दिन रात हम उसका नाम जपते थे। द ओनली थिंग मिसिंग वॉज एक ऑफिशियल ऑफर, वही दे नहीं पाया हमने बिकॉज हम गरीब हैं। तो भाई अभी आई डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ इज बार्सिलोना गना गो एंड साइन अर्लिंग हालैंड गाइस, क्या रियली में आपको लगता है कि ये पॉसिबल हो पाएगा? बट एक बार हाइपोथेटिकली सोचो, किलियन एम्बाप्पे रियल मैड्रिड में आ जाएंगे इस साल, वो भाई डन है मेरे ओपिनियन में, भाई डन डील है। 2025 में इफ बाई एनी मीन्स बार्सिलोना का पुल तो है ही है भाई, अर्लिंग हालैंड को अगर बार्सिलोना ला लेती है तो भाई लालीगा की वैल्यूएशन फट जाएगी भाई। मतलब तुम इमेजिन करो भाई, टू ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेयर्स वुड बी एट रियल मैड्रिड एंड एट बार्सिलोना, वो वही एपिक राइवलरी मेसी वर्सेस रोनाल्डो वाला यहाँ पर रिक्रिएट हो सकता है। बट गाइज अगेन प्रैक्टिकली स्पीकिंग, मैंने अभी तक इस बारे में इसीलिए बात नहीं किया था बिकॉज इट मेक्स नो सेंस भाई, सर पैर नहीं है हमारे पास भाई, हम गरीब हैं, हम यहाँ पे भाई प्लेयर्स साइन नहीं कर पा रहे हैं, छोटे मोटे प्लेयर्स हम साइन नहीं कर पा रहे, अपनी सीटें बेच रहे हैं, अपनी घास बेच रहे हैं पैसे कमाने के लिए, अर्लिंग हालैंड को हम कहाँ से लाएंगे? देयर इज अ मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्लिंग हालैंड बाइंग बार्सिलोना देन बार्सिलोना बाइंग अर्लिंग हालैंड। तो आई डू नॉट अंडरस्टैंड ये कहाँ से रूमर आ, बट एक बार हाइपोथेटिकली सोच के ना अच्छा लगता है यार भाई, फील आती है। तो बट रियली आई वुड होप कि बार्सिलोना वुड मेक सम सेंसिबल साइनिंग्स। कोचा क्वारात्स्केलिया के एजेंट के साथ भी मीटिंग हुई थी, रिपोर्टेड था। देखो डेको दो तरीके की बातें करता है, पहले तो उसने कहा कि जावी के जाने के बाद वी नीड समथिंग डिफरेंट, कुछ और डिफरेंट फिलोसफी हो। अब वो कहता है कि वी नीड समबडी जो कि बार्सिलोना की वो आइडेंटिटी मेंटेन रखे, वो डीएनए इंटैक्ट रखे। आई डू नॉट अंडरस्टैंड डेको क्या चाह रहे हो बेसिकली तुम यहां पे। एंड उससे पूछा गया जावी के बारे में बिकॉज द लॉट ऑफ रूमर्स वो गोइंग अराउंड कि मे बी जावी वुड स्टे, बिकॉज देखो सिंपल सी बात ये है ना कि बार्सिलोना के पास अभी पैसा नहीं है, डिजर्बी का जो रिलीज क्लॉज है 10-15 million euros वो हम दे नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल होगी गाइस मैं आपको बता रहा हूं। हांसी फ्लिक वुड बिकम आवर डायरेक्ट ऑप्शन व्हिच इज फाइन इन माय ओपिनियन, बट बार्सिलोना के फाइनेंशियली बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि उनको भाई मैनेजर पे खर्चा ही ना करना पड़े। जावी की वेज पता है क्या है भाई, जावी ने जब ज्वाइन किया था 2-3 million euros पे था, अब जाके उसकी वेज बढ़ाई गई है, समवॉट अराउंड 6 million euros हुई होगी, 5-6 के रेंज में है जावी हर्नांडेस। तो जो भी मैनेजर आएगा भाई उससे ज्यादा ही लेगा हमारा वो, फ्लिक क्या 5-6 million euros में मानेगा? नहीं भाई। तो लपोटा एंड डेको यहां पे चाह रहे हैं कि भाई वो सस्ते में ना काम कर ले जावी के साथ, बिकॉज ही हैज डन गुड यार, खराब तो काम नहीं किया ना बंदा। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन साइनिंग एनी अदर डिफरेंट मैनेजर, तो वो जावी के साथ काम चलाए एंड ही दे विल हेल्प हिम गेट द प्लेयर्स दैट ही वॉन्ट। तो अभी तक तो वैसे देखो जो भी प्लेयर्स जावी को चाहिए थे लपोटा ने दिए हैं, अपार्ट फ्रॉम अ प्रॉपर डीएम जो कि इस साल जावी को चाहिए था। तो या देन अगेन दिस इज द सिनेरियो, बट इट वुड ऑल रिसाइड अपॉन जावी, क्या वो रुकना चाहेगा कि वो भाई जाना चाहेगा, बिकॉज जावी ने खुल के आके बोल दिया है। और जब से जावी ने बात बोली दैट ही वुड लीव, बार्सिलोना का जो रिकॉर्ड रहा है ना दैट हैज बीन वेरी गुड लेटली। सो यस कह सकते हो एक कहीं ना कहीं से साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ा हमारी टीम में, दे स्टार्टेड टू प्ले वेल एंड दे हैव वन दोज गेम्स, बट लेट्स सी आगे क्या होगा। साथ ही में एक और रिपोर्ट है यहाँ पे, हरमोसो टू बार्सिलोना प्रोबेबली हो सकता है बिकॉज हरमोसो का कॉन्ट्रैक्ट इस समर एंड हो रहा है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे, इफ यू डोंट नो दिस, आई लव हरमोसो, ही इज वन प्लेयर एट एथलेटिको मैड्रिड टीम जो मुझे लगता है ना कि ही कैन प्ले एट बार्सिलोना। ही इज़ दैट क्रिस्प बॉल प्लेइंग सेंटर बैक, अच्छा लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक है वो बंदा और प्रॉपर बैक थ्री में खेल पाता है। सो व्हाट आई वाज थिंकिंग इज कि इफ इट कम्स टू अ सेलिंग कुंडे फॉर 70-80 million euros, तो भाई वो प्रॉफिट अमाउंट हमें मिल जाएगा जो भी उसका बनता है, वी कैन साइन हरमोसो फॉर फ्री। और हमारे पास एक्चुअली में कमी है थोड़े से लेफ्ट फुटेड डिफेंडर्स की, अगर हरमोसो लेफ्ट फुटेड है, आई बिलीव ही इज लेफ्ट फुटेड, बट स्टिल ही हैज अ ग्रेट पासिंग रेंज, ग्रेट एबिलिटी, और अच्छा बंदा खेलता है फुटबॉल, ही इज वन ऑफ माई फेवरेट डिफेंडर्स इन लालीगा। तो इफ वी आर एबल टू डू दैट, ऑल्दो मुझे कुंडे के जाने का गम रहेगा बिकॉज ही इज अ टॉप प्लेयर भाई, लेटली हैज प्लेड वेरी गुड, बट अगर देखे फाइनेंशियली दिस मूव्स वर्क वेरी वेल। तो लेट्स सी इफ वी आर एबल टू सेल कुंडे फॉर 70 million euros और मे बी 80 million euros to say, तो we can sign Hermoso for free, and I think that would be a very good thing. कोचा क्वारात्स्केलिया के एजेंट से जो बात हुई थी दैट रिजल्टेड इनटू नथिंग, 90-100 million euros हम कहां से लाके फेंक दें भाई, इट्स नॉट गोना हैपन, बहुत मुश्किल ये चीज होना। बट व्हाट डू यू थिंक, क्या ड्रीम ऑफ लपोटा फाइनली हो पाएगा?
ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है बार्सिलोना के लिए कि क्या वो अर्लिंग हालैंड को किसी तरीके से साइन कर सकते कि नहीं कर सकते। बट देन इट्स ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑन अर्लिंग हालैंड, वो पेप गोडियोला की मैनचेस्टर सिटी जो कि टाइम एट टाइम टाइटल्स के लिए कम्पीट करती है, उसको छोड़ के बार्सिलोना क्यों आना चाहेगा? इफ ही इज अ बार्सा फैन, इफ ही वॉन्ट्स टू प्रूव इन अ डिफरेंट लीग एज वेल, ही माइट हैव गॉट एवरीथिंग एट सिटी, देन ही कुड थिंक, बट आई डोंट थिंक सो दैट्स गन बी पॉसिबल। और टू बी रियली ऑनेस्ट गाइज, बार्सिलोना को इस साल जो लॉसेज हुए हैं बाय नॉट प्लेइंग इन द कैंप नू, इट हैज बिन ह्यूज। 70 million euros का लॉस हुआ है बार्सिलोना को फॉर नॉट प्लेइंग इन द मेन स्टेडियम। तो अभी हम यहाँ पे ओलंपिक स्टेडियम में खेल रहे हैं जिसकी कैपेसिटी कम है, दूर है, तो लोग ज़्यादा आते नहीं वहाँ पे, कम रहती हमारी वहाँ पे अटेंडेंस। बट बार्सिलोना नेक्स्ट ईयर जो हमारा सीजन स्टार्ट होगा November 2024 में कैंप नू इस हद तक स्टार्ट हो जाएगा जहां पे वो इट कैन हाउस 60,000 to 70,000 पीपल। सो बार्सिलोना ने ये एक इश्यू डाला है कि यार हमारे जो मैचेस है ना, जितने ज्यादा से ज्यादा तुम स्टार्टिंग में पहले हमें अवे मैचेस दे दो, वो हमारे लिए उतना बेनिफिट रहेगा। बिकॉज अगर हम स्टार्टिंग में अवे मैचेस निकाल दें तब तक हमारा कैंप नू यहां तक बन जाएगा कि हम वहां पे 60,000 to 70,000 पीपल को ला सकेंगे। एंड भाई फाइनली जो ये कैंप नू बनेगा वो इसमें एक साल डेढ़ साल और लग सकते हैं, जो कि हमारा भाई प्लान है इस पाई बार्सिलोना का, बट दैट वुड रिटर्न अस ग्रेट रेवेन्यू। सो लेट्स सी एग्जैक्टली व्हाट्स गोना हैपन। और यहाँ पे कपल ऑफ फ्यू मोर अपडेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी यहाँ पे बताना चाह रहा था मैं आप लोगों को। एरिक डायर टू बायर्न म्यूनिश परमानेंट हो चुका है भाई। नहीं नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज थी, बट देन अगेन आई एम जस्ट थिंकिंग यार, एरिक डायर परमानेंट प्लेयर एट बायर्न म्यूनिश, मतलब क्या सोच रहे हैं भाई यहाँ पे? थॉमस टुकल जाने वाले हैं, बट स्टिल ही मेड वन ऑफ द प्लेयर्स वेरी वेरी हैप्पी, हैरी केन यार। उसके अलावा एक और न्यूज है एंड दैट It makes me kind of sad. Paul Pogba is banned from football for 4 years for doping. Paul Pogba was one of my favorite players. To be really honest, I love this guy. जो वो यूए पे Paul Pogba था, Pirlo, Marquisio, Vidal, Pogba वाली जो pairing थी ना, out of the world pairing थी भाई वो। वो जो Paul Pogba था ना, वो भाई amazing था। He was one of those players ना, who could do everything. He could be your register. वो defensive ball win भी करेगा साथ में Marquisio के साथ। He could be the runner, carrilero, वो ball carry करेगा। Plus apart from that, he had a great passing range in him. वो भाई असिस्ट प्रोवाइड भी करता है, और ऑन टॉप ऑफ दैट ही यूज्ड टू हिट वर्ल्डीज भाई, वो बॉन्कर्स गोल मारता था। एंड यार आई एम काइंड ऑफ अ लिटिल बिट सैड, बट देन ही गॉट व्हाट ही डिजर्व्ड। अगर भाई बंदे ने डोपिंग की है तो ही डिजर्व्ड इट। वेल ऑब्वियसली भाई चीटिंग अलाउड नहीं है फुटबॉल में, बट उसने ना काउंटर क्लेम किया है कि भाई दिस इज नॉट राइट, आई डू नॉट अग्री विद द डिसीजन। सो वट एवर बी इट, आई डोंट नो व्हाट्स राइट, बट कहीं ना कहीं जो ये डिसीजन आया ना, इससे थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा, बिकॉज ही वॉज अ फैंटास्टिक प्लेयर। यू नो, एक वॉट इफ वाली एक सिनेरियो बन के रह जाएगी पॉल पोगबा के लिए। बट देन आप बताओ मुझे, आपको कितना पसंद था पॉल पोगबा? द वर्जन ऑफ पॉल पोगबा इन द फ्रांस जर्सी, मैन इनक्रेडिबल यार। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट मिडफील्डर, डू इट ऑल काइंड ऑफ अ मिडफील्डर था, एलिगेंस वाला एक मिडफील्डर था। बट मैन दैट इज रियली सैड व्हाट इज हैपेंड। सो डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। मैं मिलता हूं आप लोगों से वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।